न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। लूटा चोरी के विभिन्न मामलों में वांछित अपराधी चढ़ा पुलिस के हत्थे, एसपी नॉर्थ ने किया खुलासा। नरेश उत्तम की अध्यक्षता में संपन्न हुई उत्तर प्रदेश विधान परिषद की विकास प्राधिकरण एवं निकायों आदि में व्याप्त अनियमितताओं पर अंकुश लगाने के संबंध में समिति की बैठक, विभिन्न बिंदुओं पर हुई चर्चा। संभावित बाढ़ से निपटने के लिए 14 जून को किया जाएगा मॉक ड्रिल। जिलाधिकारी ने राजस्व, चिकित्सा आपूर्ति, पशु चिकित्सा एवं पुलिस विभाग के प्रतिनिधियों को मौजूद रहने के दिए निर्देश। नगर आयुक्त की निगरानी में विष्णु मंदिर से राजकीय पॉलिटेक्निक तक किए गए अतिक्रमण पर चढ़ा बुलडोजर। जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेय ने जिले के 35 मेधावी छात्र छात्राओं को किया सम्मानित। जनसंख्या नियंत्रण की मांग को लेकर युवा उत्थान समिति ने सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा ज्ञापन, कठोर कानून बनाने की मांग। दो सूत्रीय मांगों को लेकर उत्तर प्रदेश के फेडरेशन ऑफ मिनिस्ट्रियल सर्विस एसोसिएशन ने डीएम को सौंपा ज्ञापन, पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने की मांग। समाजवादी पार्टी द्वारा आयोजित है बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन। प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम ने पार्टी कार्यकर्ताओं को मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाने का किया आह्वान। यूपी एजुकेशन मिनिस्ट्रियल ऑफिसर्स एसोसिएशन के नव निर्वाचित पदाधिकारियों के प्रथम नगर आगमन पर उन्हें किया गया सम्मानित। गोरखपुर विश्वविद्यालय एवं संबंध महाविद्यालयों की संयुक्त प्रवेश परीक्षा के तहत मंगलवार को आयोजित बीएससी प्रवेश परीक्षा में 15,411 अभ्यर्थियों में से 2,551 अभ्यर्थियों ने छोड़ी परीक्षा। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने की जल सत्याग्रह कर रहे वित्तविहीन विद्यालय प्रबंधकों से मुलाकात, मांगे पूरी कराने में सहयोग करने का दिया भरोसा। गोरखपुर सब जूनियर लीग में टीएनएम क्रिकेट एकेडमी ने गुड्डू सिंह क्रिकेट क्लब को 107 रनों से हराकर फाइनल का टिकट किया पक्का। और गोरखपुर क्रिकेट लीग में गोरखपुर जोनल पुलिस की मौर्य फर्नीचर हाउस पर 70 रनों से जीत।